हेलो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ व्हाइट सॉस पास्ता। बेसिकली पास्ता कॉर्न मशरूम मैंने बॉईल करने रख दिया है उसके लिए। उसके लिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा बटर लिया, उसके अंदर प्याज डाले, कैप्सिकम डाली है, बाकी आप बेसिकली इसके अंदर अपनी मर्जी की सब्जियाँ डाल सकते हैं। इसे 2 से 4 मिनट भूनेंगे। बेसिकली इसे सॉटे करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना। स्टेज पर मैं डालूंगी इसके अंदर आटा। बेसिकली मैं व्हीट सॉस पास्ता बना रही हूँ, ठीक है, व्हीट वाला पास्ता बना रही हूँ, व्हाइट सॉस पास्ता व्हीट वाला, ठीक है। तो मैं आटा ही डालूंगी, इसका हेल्दी वर्जन ही बनाऊंगी। तो आटा डाल के इसे 2 से 3 मिनट भूनेंगे इसके अंदर। स्टेज पर मैं आटा डाला, इसे हल्का सा डाला, कलर चेंज नहीं करना। बेसिकली आटे को हल्का सा भूनेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी इसी स्टेज पर मिल्क, ठीक है, मिल्क ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ताकि मिल्क इसके अंदर जो है गम ना पड़े, ठीक है। एक क्विक बॉयल दिलवाएंगे इसे अच्छे से, ऐसे इस तरह से। अभी हमने इसके अंदर कोई नमक और कोई सीजनिंग कुछ नहीं डाला, ठीक है, ऐसे अच्छे से कर लेंगे। फिर इसके अंदर देन डालेंगे मिल्क, जैसे थोड़ा बॉयल होगा, काली मिर्च, नमक और अपनी इटालियन सीजनिंग, ठीक है, और चीज़। आप देख सकते हैं मेरी सॉस ना थोड़ी थिक हो गई है, बेसिकली ये थोड़ी ठंडी हो गई, थिक हो गई। इस स्टेज पर मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ चीज़, नमक और अपनी काली मिर्च और थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग। ये मैंने इसके अंदर डाला है मोज़रेला चीज़, ठीक है, ताकि इसका टेस्ट और ब्लेंड हो जाए। अब मैं इसके अंदर अपनी रेगुलर सीजनिंग डाल रही हूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी पास्ता। मैंने सीजनिंग डाल दी है, आप देख सकते हैं मेरी सॉस कितनी थिक होगी। आप इस सॉस को ना बिना वेजेस के बनाएंगे तो अगर छोड़ भी कर सकते हैं, बट मैंने इंस्टेंट बनाना था तो इसलिए बेसिकली मुझे लंच बॉक्स में देना है तो मैंने इंस्टेंट बनाया। मैंने डाल दिया है पास्ता और पास्ता को मैं भून लूँगी अच्छे से, ठीक है, अच्छे से भूनना है। और इसके ऊपर लास्ट में मैं ऊपर से सीजनिंग स्प्रिंकल करूँगी। देख सकते हैं मेरा कितना अच्छा ये पास्ता हो रहा है।